गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आपको रिव्यू करूंगी इस छोटी सी बुक का, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉवेल्स पढ़ने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं, क्योंकि मुझे कभी समझ ही नहीं आते, मतलब एक पेज पढ़ूंगी तो पिछला मुझे भूल जाता है। लेकिन ये जो है एक गाइडलाइन है, द लीडर इन यू, आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेना हो तो। ये मैंने ली थी आज इसको थर्ड ईयर चल रही है, मतलब 2020, और मैंने इन 3 सालों में, तीसरा साल है इसको, तो इन 3 सालों में मैंने इसके 16 चैप्टर्स में से सिर्फ 9 चैप्टर्स पढ़े। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितना शौक है बुक रीडिंग का। लेकिन बहुत मज़े की है, क्योंकि ये छोटी सी है, देख लें इतनी सी है, तो आप लोग इसको अपने बैग में भी रख सकते हो, कहीं भी कैरी करके जा सकते हो। इंसान रास्ते में कहीं ना कहीं बस खोला और पढ़ लिया, क्योंकि ये इस तरह का नॉवल तो है नहीं कि आप एक कोई यूँ पेज खोलेंगे और पढ़ेंगे और आपको पीछे से पता ही नहीं होगा हो चल क्या रहा है। तो दिस इज़ गाइडलाइन, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है। मैं आपको इसमें से कोई एक पैराग्राफ पढ़ के दिखाती हूँ, ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए कि किस टाइप की है। कौन सा चलें जी, ये पढ़ते हैं। और इस चैप्टर का नाम है लिसनिंग टू लर्न। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लिसन, सेवल सेड, टू रियली लिसन बिफोर यू गो इन एंड स्टार्ट शूटिंग योर माउथ ऑफ एंड टेलिंग एवरीबडी हाउ स्मार्ट यू आर। यू हैव गॉट टू लर्न हाउ डम्ब यू आर फर्स्ट। You have to go in and get to know people and interact them. Don't put yourself above anyone else. Get around, talk to everybody, listen very intentively, and don't make up your mind too fast. देखा, ये इस तरह की बड़ी मज़े की गाइडलाइन है कि आप लोग, आप ये ना समझें कि सबसे होशियार आप हैं। कहते हैं ना, हर किसी का कोई ना कोई बाप होता है। तो मुझे जो इसमें सबसे अच्छी लाइन लगी वो यही है, यू हैव गॉट टू लर्न हाउ डम्ब यू आर। पहले खुद को इंसान जाने, उसके बाद किसी और के बारे में की बात करें। ये मैंने ली थी F9 से, ली थी इस्लामाबाद F9 से, और 200 की, एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छी है, छोटी सी। उसके बाद अब बात बारी आती है इस मेकअप लुक की। ये स्मोकी आई मेकअप मैंने क्रिएट किया, और इसके साथ मैं आप लोगों को अपने हेयर कर्ल टेक्निक भी दिखाऊंगी कि मैं अपने हेयर्स जो है वो कैसे कर्ल करती हूँ। तो ये पहले मैं हेयर स्टाइल आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। मेरे हेयर्स इतने छोटे नहीं हैं, पर ये जो मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, जबकि अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये नेचुरल कर्ल्स वाले, यू नो, नेचुरल ब्यूटी। मजाक आ रही थी अभी जी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने हेयर जो हैं वो घर पे कैसे कर्ल करती हूँ, विदाउट एनी अप्लायंसेस, जस्ट आई यूज़ माई हैंड्स। सो ये मैंने सेक्शन लिया, ठीक, पिन फंस गई है इसमें, इसको मैं करूँगी कॉम्ब, अच्छे से कॉम्ब कर लें। आप ये देख लें, ये थोड़े से यहाँ से ना पहले ही कर्ल हो रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने अभी कर्ल किया था, तो इस वजह से। और मेरे बाल जो हैं वो वैसे ही वेवी हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग के सामने मैंने इसको किया है कॉम्ब। नाउ यहाँ से लें बाल, बिल्कुल यहाँ से, और इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दें, इनको ट्विस्ट करें, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, पता नहीं कि मैं लेंस की जगह कैमरा देखना स्टार्ट कर चुकी हूँ, ट्विस्ट, मज़ा आ रहा होगा। चलो जी, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, थोड़ा ना हार्ड ट्विस्ट करें इसको, क्या मैंने ट्विस्ट एंड ट्विस्ट करने के बाद देख सकते हैं कि 1 मिनट भी अभी इसको मैंने ट्विस्ट नहीं किया, 1 मिनट से भी कम, कुछ सेकंड ट्विस्ट के एंड रिलीज। ये देखें, ये देखें, और मैं अपने हेयर्स हमेशा ऐसे कर्ल करती हूँ। आप लोग सोचोगे ये कर्ल कितनी देर लगेगा, तो ये कर्ल मेरा जो ये वाले कर्ल्स हैं, अगर मैं कॉम नहीं करती तो ये 12 घंटे से ज़्यादा ऐसे कर्ल रहेंगे। वर्क्स ऑफ हैविंग रफ हेयर्स। तो वाकई ये जो है 12 घंटे से ज़्यादा अगर मैं कॉम नहीं करूँगी तो ये ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। अगर कोई मुझे कॉलेज टाइम से जानता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। जो मुझे कॉलेज टाइम से जानते होंगे उनको पता होगा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो तब उस टाइम में ना पफ का बड़ा फैशन था, यहाँ पर गर्ल्स पफ बना के आती थी, और मेरी क्लास की मैक्सिमम गर्ल्स का पफ जो है वो गिर जाता था, वो लूज़ हो जाता था, वो ख़राब हो जाता था, मेरा नहीं होता था कभी भी। जैसे सुबह फर्स्ट क्लास में होता था वैसे ही छुट्टी टाइम तक रहता था। तो मुझसे अक्सर गर्ल्स कहती थी क्या करती हो,
कोई क्रीम यूज़ करती हो, कोई हेयर स्प्रे यूज़ करती हो या जेल यूज़ करती हो बालों में कि तुम्हारा पफ ही नहीं घिरता, तब मैं कहती थी बड़े फ़खर से ना कि नहीं मेरे तो बाल ही ऐसे हैं, मैं तो कुछ यूज़ नहीं करती। और वाकई अगर मैं पफ बना के सो भी जाती ना, उठती ना, तब भी मेरा पफ वैसे ही होता था। ये होते हैं पर्क्स रफ हेयर्स के, गॉड गिफ्टेड आई गेस। काफ़ी लोगों की टेंशन होती है कि उनके बाल रफ है, और मुझे कभी नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत इससे फ़ायदे होते हैं कि मैं हेयर स्टाइल जैसा बनाती हूँ वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। मुझे कभी कोई चीज़ यूज़ ना जेल ना स्प्रे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश है। अब इन कर्ल्स पे अगर मैं स्प्रे कर दूँ, वैसे ही इन्होंने 12 घंटे तो खड़े ही रहना है ऐसे, तो सोचें स्प्रे के बाद इनका क्या असर होगा, तो 24 घंटे आराम से ऐसे ही रहेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी और ये टेक्निक अगर आप लोग यूज़ करें और बताएं आप लोग के बालों पे भी ये टेक्निक काम करती है नहीं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगे तो कमेंट लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।